2015 को लेकर तमाम लड़ाई और बहसों के बीच जंगल में प्यार भी खिलता नजर आ रहा है। शो में मीशा अय्यर और ईशान सहगल एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं। पिछले दिनों से इनकी बॉन्डिंग और मजबूत होती दिख रही है। शो में शुक्रवार के एपिसोड में वे एक कंबल के अंदर एक साथ बैठे और चैट पर एक दूसरे के बारे में बेहतर जानने की कोशिश कर रहे थे। मीशा ने ईशान से पूछा कि आपको कैसी लड़की पसंद है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे एक सुंदर और प्यारी लड़की चाहिए जो मुझे बिना किसी शर्त के प्यार करे। जब उसने उसकी पसंद के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मुझे बहुत ही अलग किस्म का लड़का चाहिए जो मेरे नखरे सहन कर सकता हो। मीशा हैरान रह गई जब ईशान ने उससे कहा कि जब वह रोती है तो वह उसे बहुत अच्छी लगती है। मीशा ने कहा कि यह उनके लिए अविश्वसनीय था। इस बात पर मीशा ने यह कहकर जवाब दिया कि वह दूसरों की तरह नहीं है। दूसरे प्रतियोगियों द्वारा छेड़े जाने पर कि वह ईशान के साथ कैसे रोमांटिक हो रही हैं, मीशा ने जोर देकर कहा कि वे सिर्फ दोस्त थे। वहीं प्रतीक सहजपाल ने उस समय खुद को मुश्किल में पाया जब उन्होंने बाथरूम का ताला बाहर से खोला जबकि उनकी सह प्रतियोगी विधि पांड्या नहा रही थी। प्रतीक गार्डन एरिया के वॉशरूम के दरवाजे की कुंडी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि विधि अंदर थी। वह बाहर आती है और करण कुंद्रा और जय भानुशाली और अन्य लोगों से शिकायत करती है। जैसे ही वह प्रतीक का सामना करने जाती है वह अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उसके इरादे गलत नहीं थे। साथ ही प्रतियोगी करण ने प्रतीक का सामना किया कि जब विधि अंदर थी तो वह वॉशरूम के दरवाजे के पास क्या कर रहा था, जिसके बाद एक और बहस छिड़ जाती है जहां हर कोई प्रतीक और निशांत भट्ट के खिलाफ बोलता है। जंगलवासी इस बात से सहमत हैं कि प्रतीक के इरादे गलत नहीं हैं, लेकिन जिस समय उन्होंने यह किया वह गलत था। इसके बाद प्रतीक को यह कहते सुना जाता है कि अगर उसकी मंशा गलत साबित हुई तो वह किसी को मार देगा और शो से बाहर हो जाएगा। आज के एपिसोड में सलमान का प्रतीक सहजपाल पर गुस्सा फूटने वाला है। वह उनके और विधि पांड्या के बीच हुए मामले पर प्रतीक की क्लास लगाएंगे। साथ ही देखना दिलचस्प होगा कि मीशा और ईशान एक दूसरे के करीब आते हैं या नहीं। बिग बॉस 15 कलर्स पर प्रसारित होता है। INS रिपोर्ट।